नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला, इंडिया हॉट टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की एंटरटेनमेंट से जुड़ी बुलेटिन का। शाहरुख खान ने एक बार फिर जीता लोगों का दिल, सत्येंद्र जैन ने जताया आभार। कोरोना सभी के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है, ऐसे में अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों ने अपने अपने स्तर पर आगे आकर लोगों की मदद की। सोनू सूद, अक्षय कुमार, बिग बी के साथ साथ किंग खान यानी शाहरुख खान ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। इनके अलावा भी कई बॉलीवुड स्टार्स ने लोगों की मदद की है। इसी बीच किंग खान ने एक बार फिर लोगों का दिल जीतने वाला काम किया है। शाहरुख खान ने भी लगातार अपने स्तर पर कई बार दिल खोलकर लोगों की मदद की है और अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शाहरुख खान का आभार जताया है। दिलजीत प्रियंका पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा, बोली किसानों को कर रहे गुमराह। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने देश में जारी किसान आंदोलन पर एक नहीं बल्कि कई बार अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने किसान आंदोलन का खुलकर विरोध किया है। अब इसी बीच एक्ट्रेस का नया ट्वीट सामने आ गया है और जो खूब वायरल हो रहा है। कंगना ने इस ट्वीट में कृषि कानूनों की तारीफ की है। कंगना का मानना है कि इस कानून से लोगों को फायदा होगा। इसके साथ ही कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें लगता है कि किसानों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, ज्यादा बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो लोग इस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं और इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उन सभी को पता है कि ये कृषि कानून किसानों के लिए बहुत जरूरी है, फिर भी किसानों को भड़काया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, फायदे के लिए भारत बंद किया जा रहा है। मौत से पहले दिव्या भटनागर ने एक चिट्ठी में बयां किया था दर्द, बताई थी टॉर्चर की पूरी कहानी। टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का निधन हो गया कोविड 19 की वजह से। दिव्या भटनागर ने मुंबई के हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उनकी डेथ की न्यूज के बाद से ही उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बातें उठने लगी थी। सबसे पहले उनकी माँ का बयान सामने आया था, बाद में दिव्या की दोस्त देवोलीना भट्टाचार्य का एक वीडियो सामने आया। ऐसे में दिव्या भटनागर के भाई देवाशीष का बयान सामने आया है। गगन और दिव्या के रिश्ते को लेकर देवाशीष ने एक नया खुलासा किया है। देवाशीष के मुताबिक उन्हें दिव्या की अलमारी से एक नोट मिला है। दिव्या के हवाले से लिखे इस नोट में लिखा हुआ था कि गगन उनको टॉर्चर करता था। दीपिका पादुकोण की ऑथेंटिक स्माइल हुई वर्ल्ड वाइड फेमस। एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगाई गई प्रतिमा। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। ये किसी फिल्म की सफलता की बात नहीं हो रही है। दीपिका पादुकोण को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्रदर्शनी में फीचर किया गया है। प्रदर्शनी का नाम द ऑथेंटिक स्माइल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ पीपल है। एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना के कारण ब्रेक के बाद मेहमानों का स्वागत करने के लिए शुरू किया गया है। बता दें कि दीपिका के अलावा भी कई और प्रतिमाएं उस जगह मौजूद है। यह प्रतिमाएं अलग अलग वस्तुओं की बनी हुई है, जैसे कोई सफेद मार्बल तो कोई लकड़ी से बनी है। खास बात यह है कि कई हसीन चेहरों के बीच दीपिका को भी शामिल किया गया है। अर्शी खान का उठा बिग बॉस से भरोसा, बोली विकास गुप्ता तय करते हैं गेम। बिग बॉस सीजन 14 का गुरुवार का एपिसोड लड़ाई झगड़ों और हल्ले से भरा रहा। जहां मनु पंजाबी और रुबीना दिलैक ड्यूटीज को लेकर एक दूसरे से भिड़ते दिखाई पड़े, वहीं एजाज खान और अभिनव शुक्ला भी एक दूसरे पर ताने कसते दिखाई पड़े। इसी बीच माहौल थोड़ा हल्का होता दिखा जब राहुल महाजन अर्शी खान के साथ कपड़े धोने की डील करते दिखे। अर्शी खान ने कहा कि वह पूरे सीजन उनके कपड़े धोती रहेंगी अगर वो उन्हें 3 लाख रुपए की डायमंड रिंग दे। इसके अलावा राहुल महाजन जैस्मिन से ये वादा करते दिखाई पड़े कि वह अली और जैस्मिन की घर के बाहर आने के बाद सेटिंग जरूर करवाएंगे। विकास गुप्ता को बिग बॉस ने शो में आने से पहले जो चुनौतियां दी थी वो उनमें से सिर्फ 2 ही पूरी कर पाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो रखिए अब हर खबर पर अपनी नजर इंडिया हॉट टॉपिक्स के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहें देश भर के लेटेस्ट अपडेट्स। धन्यवाद।